A very good morning, class 9. So let us revise chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, a very, very important chapter. And I had told you to do the question answers, and I don't know how many of you have written the question answers or not, but very simple answers I'm going to revise with you, and if you are going to pay attention, you will remember them. Just concentrate on it and then revise them once again. You may get everything from inside it. The first question: describe the problems faced by the Weimar Republic. Kya problems Weimar Republic ne face ki thi? जब आप इसको याद रखें तो तीन हेडिंग्स आप याद कर लीजिए. वर्सेल्स की ट्रीटी, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, और तीसरा पॉलिटिकल डिफेक्ट्स. तीन हेडिंग में हम जो चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा है उसका निचोड़ हम यहाँ देंगे. द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक वर, फर्स्ट वाज द वर्सेल्स ट्रीटी, द वर्सेल्स Force treaty at the end of the First World War dispossessed Germany of its territories, its resources, and its pride as a nation. He also had to pay £6 billion as war compensation. 6 billion pound usko इस ट्रीटी में वॉर का कंपनसेशन भी देना पड़ा. इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्श टर्म द वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, देयर बाय मेकिंग इट अनपॉपुलर अमंग्स द जर्मन मैसेस. ठीक है, हालांकि बहुत ही हार्श टर्म्स थे, फिर भी वेमार रिपब्लिक ने ये हर्टिंग या ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी को सहन किया, और जनरल मासेस में इसको अनपॉपुलर, लोकप्रिय ना हो जिसको कहते अनपॉपुलर बनाया. सेकंड वाज द इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है. द जर्मन स्टेट वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड ड्यू टू ओवरवेलमिंग वाज डेब्ट्स, सबसे बड़े कर्जा थे इनके पास, और इतने ज़्यादा कर्ज के होते हुए, बहुत बड़े कर्ज के होते हुए, जर्मन स्टेट जो था वो एक तरह से विकलांग हो गया, इकोनॉमिकली विकलांग हो गया. सब्सिक्वेंटली गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीटेड, उनके सारे सोने के भंडार कम हो गए क्राइसिस के कारण. एंड वैल्यू ऑफ जर्मन मास्क फेल, जर्मन मास्क की जो वैल्यू थी उसमें गिरावट आई, भारी गिरावट आई. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज ड्रामेटिकली, और जो आम एसेंशियल गुड्स थे, ज़िंदगी की जो चीज़ें थी, वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से उछाल पर हुई, कीमतें ऊंची हो गई. ये एक इनके लिए इकोनॉमिक क्राइसिस था. तीसरा है पॉलिटिकल डिफेक्ट्स. The Weimar Republic was weak due to inherent constitution irregularities such as proportional representation and Article 48, which gave the president the power to impose emergency and rule by decree. Decree kehte law. Article 48 inka hai ki president ke paas puri powers एमरजेंसी लागू करने की होती है लॉ के अनुसार. द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम सीम टू गिव द पीपल नो सॉल्यूशंस और बेनिफिट्स इन द टाइम्स ऑफ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस. राजनीति ने कुछ हाथ पल्ला नहीं फड़ाया इनको, बड़े हार्ड टाइम्स रहे, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, लेकिन इनके पार्लियामेंट्री सिस्टम ने कोई भी लोगों को जर्मन के किसी तरह का कोई सोल्यूशन या कोई बेनिफिट या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की. तो बेटा इसमें आपने अगर
फाइव मार्क्स का भी है या फोर मार्क्स का, राइट, थ्री पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है. डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन 1950. 1950 में नाजिज्म क्यों पॉपुलर हो गया. नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन 1950 ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस. तो आप तीन या चार रीजंस इसमें दे रहे हैं. द मोस्ट अपेरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन. सबसे बड़ा था ग्रेट डिप्रेशन. द वेमार रिपब्लिक डिड लिटिल टू रेमेडी द कंट्रीज इकोनॉमिक डाउनफॉल. वेमार रिपब्लिक ने इस रेमेडी को देश के इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के डाउनफॉल को करने के लिए बहुत कम कुछ किया. एंड हिटलर वॉज प्रेजेंटेड एज अ सेवियर. और हिटलर को उनका खुदा प्रेजेंट कर दिया टू द ह्यूमिलेटेड जर्मन. वैसे भी ये जर्मन लोग बहुत परेशान थे, इंसल्टेड थे, हर्ट थे, और अडॉल्फ हिटलर अपने आप को खुदा बनकर सामने आया. ठीक है, टू द ह्यूमिलेटेड जर्मन पीपल लिविंग इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. क्योंकि ये लोग तो वैसे ही इन पर दबाव था, आर्थिक तंगी थी, राजनीतिक तंगी थी, कोई हाथ पल्ला नहीं फड़ा रही थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, राइट. तो सबसे अपेरेंट था ग्रेट डिप्रेशन. दूसरी बात बोलो, द पावर स्पीचेज ऑफ हिटलर इन विच ही सॉट टू बिल्ड ग्रेट नेशन. जो स्पीच वो देते थे उसके पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पीचेस रहे कि मैं अपना देश को एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सल स्टेट. और वर्सलेस टीटी में जो अन्याय हुआ है उसको ठीक करूंगा. रेस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. और उसकी खुदाई ने यह भी कहा कि जर्मन मासेस का, जर्मन लोगों की जो डिग्निटी है वो वापस ला कर दूँगा. और एम्प्लॉयमेंट भी सभी लोगों को प्राप्त होगी. ये सन 1950 में हुआ. तीसरी बात, नाजी प्रोपोगंडा वाज यूनिक. बड़ा अजीब था, रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक का निशान, लाल झंडे, नाजी सल्यूट एंड राउंड्स ऑफ अप्लॉज अट्रैक्टेड पीपल मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर. इन्होंने अपना एक झंडा बनाया तो स्वास्तिक का निशान रखा और सब जगह लोग इस पे अट्रैक्ट हुए और इस प्रकार से नाजिज्म पॉपुलर हो गया. नाउ व्हाट आर द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग. नाजी थिंकिंग की विचित्र बातें क्या हैं, विचित्र फीचर्स क्या हैं इसके. द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग वर एज फॉलो. पहली बात, अ बिलीफ इन रेशियल हायरार्की एंड लेबेंसराम, जिसको कहते हैं लिविंग स्पेस. ठीक है, रेशियल हायरार्की और लिविंग स्पेस में दृढ़ विश्वास. दूसरा, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप. नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे उनको सबसे ऊपर रखा गया. हालांकि जो ज्यूज थे दे फॉर्म द लोएस्ट रंग ऑफ द रेशियल लैडर. और इस रैशिसिज्म की सीढ़ी पर ज्यूस को सबसे नीचे दिखाया गया. ठीक है, तीसरी पॉइंट लिखोगे, दे बिलीव दैट ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल. रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव. इसी तरह का ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल ही सर्वाइव करेगा और रूल करेगा. चौथा था, न्यू टेरेटरीज मस्ट बी गेंड फॉर एनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मनी. ठीक है, नई नए टेरेटरीज गेन करेंगी नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती रिसोर्सेज जो हैं ज़मीन के, और पावर ऑफ जर्मनी उत्थान करेगी. तो ये थे कुछ पिक्यूलियर फीचर्स नाजी सोच के. नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपोगंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर द ज्यूज. नाजी प्रोपोगंडा किस तरह से प्रभावशाली रहा ज्यूज के अगेंस्ट ईर्ष्या करने के लिए, जलन द्वेष दिखाने के लिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए. वो कहता है, नाजी प्रोपोगंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर द ज्यूज.
किस प्रकार? पहला पॉइंट, द नाजी यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया इफेक्टिवली. ये लोग अपना मीडिया, अपने धर्म की, अपनी भाषा बहुत प्रभावशाली तरीके से, बड़े ध्यान से यूज़ करते थे. द रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द नाजीज दैट द ज्यूज बिलोंग टू अ लोअर रेस एंड एज सच वॉज अनडिज़ायरेबल. दूसरी बात ये थी कि रेशियल थ्योरी जो सामने रखी गई नाजियों द्वारा, वो ये थे कि ज्यूज सबसे लोअर कास्ट है, रेशियल लैडर में सबसे नीचे हैं, और इनको अनडिज़ायरेबल कहा गया था. ये ज़रूरी नहीं है कि ये चाहिए हैं, इनको बिल्कुल छोटी कास्ट, सबसे नीचे लैडर में, और अनडिज़ायरेबल कहा गया. दूसरा, द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हेट्रेड फॉर द ज्यूज. जो पारंपरिक जो क्रिश्चियन थे उनकी भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष था ज्यूज से, क्योंकि दे वर एक्यूज टू हैव किल्ड क्राइस्ट. उन पर ये लांछन लगा था कि उन्होंने क्राइस्ट को मारा है. वॉज फुली एक्सप्लॉयटेड बाय नाजीज. वो अच्छे से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया नाजीज द्वारा, इन ऑर्डर टू मेक द जर्मन प्री ज्यूडिशियल अगेंस्ट ज्यूज, जिससे कि जर्मन प्री ज्यूडिशियल बन सके और इनके अगेंस्ट हो जाए ज्यूज के. ये था दूसरा पॉइंट. द नाजीज इंजेक्टेड हेट्रेड अगेंस्ट द ज्यूज. नाजीज ने अच्छे तरह से नफरत भर दी थी इन ज्यूज के अगेंस्ट, इवन इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. यहाँ तक कि लोगों के, बच्चों के दिमागों में भी ये बात भर दी थी शुरू से ही, जब से वो स्कूल जाने लगे. स्कूल में ही उनको ये सिखाया जाता था कि ज्यूज से नफरत करो, ये सबसे नीची जात है, ये अनडिज़ायरेबल्स हैं. और जो टीचर्स ज्यूज थे, दे वर डिसमिस्ड, उनको निकाल दिया गया नौकरियों से, एंड ज्यूज चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. नाजीज के बच्चे पढ़ेंगे, ज्यूज के बच्चे उठाकर बाहर फेंक दिए गए. ऐसी आइडियोलॉजी ट्रेनिंग नई जनरेशन को, ये वाकई प्रोपोगंडा बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के काम में आई इन ज्यूज के अगेंस्ट नफ़रत भरने के. तो ये आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझिए, और आंसर बनता है आपका. ये थ्री पॉइंट्स बना दिए आपके. चौथा भी है एक, प्रोपोगंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड. ऐसी पिक्चरें, हाँ, द इटर्नल ज्यू बनी थी, प्रोपोगंडा भी किया गया बहुत जोरों शोर से, पिक्चरें बनाई गई जिससे कि इनके अगेंस्ट हेट्रेड, ज्यूज के अगेंस्ट नफरत पैदा हो. जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वो एक तरह से स्टीरियोटाइप्ड और मार्क्ड थे, राइट. वो स्टीरियोटाइप ज्यूज थे, कट्टर जो थे. ऐसी एक एग्जांपल है जिसमें प्रोपोगंडा फिल्मों में, वो है द इटर्नल ज्यू. अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नाजी समाज में औरत को क्या रोल दिया जाता था, ओरल की, वुमन की, उनके समाज में, नाजी समाज में क्या महत्वता थी. रोल ऑफ वुमन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ अ लार्जली पैट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. उस समय औरत का रोल सबसे अच्छा माना जाता था, बढ़िया माना जाता था, राइट. ये बच्चे देने की मशीन मानी जाती थी, अच्छी अच्छी ब्रीड मनाए जाते थे, लेकिन थी ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष की चलती थी. हिटलर हेल्ड वेमेन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन इन हिज जर्मनी, बट दिस वॉज ट्रू फॉर ओनली आर्यन वुमेन हु ब्रेड प्योर ब्लड डिज़ायरेबल आर्यंस. अब शुरू में जब आर्यंस आए थे, नॉर्डिक आर्यंस, इनकी पत्नियों के साथ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्रजातियां जो हुई थी, तो औरत को यहाँ पर जर्मनी में जो रह रही है उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक माना जाता था, वही जो आर्यन वुमन में से ब्रेड थी, प्योर ब्लड की थी, और जो डिज़ायरेबल आर्यंस थे, आर्यंस में से उत्पत्त हुई थी,
motherhood, ममता was the only great goal. ठीक है, they were taught to reach for, apart from performing the stereotypical function of managing the household and being good wives. ये तो हर नारी का धर्म था, अपने पति की सेवा करना, पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना. ये stereotypical फंक्शन जो थे वो तो थे ही थे. ठीक है, और मदरहुड इनका अपना गोल होता था, एम होता था. दिस वॉज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वेयर वुमेन लेड मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर द राइट्स टू एजुकेशन एंड इक्वल एजेस. लेसन वन में आपने पढ़ा था ये. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो औरत का रोल काफ़ी महान था. यहाँ उस टाइम में वो अपने राइट्स के लिए, जैसे पढ़ाई लिखाई का राइट हो गया, आदमियों के बराबर काम कर रहे हैं तो उनको बराबर सैलरी मिले, दिहाड़ी मिले. दे वर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स, औरतों को भी अब राजनीतिक क्लब बनाने का अधिकार दे दिया गया था. एंड स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर देम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होने के बाद ये बात तय हो गई थी कि औरतों को भी स्कूलिंग, गर्ल्स को भी एजुकेशन का राइट दिया जाएगा, और हुआ. ठीक है जी, एक बहुत और इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, लेसन से चुने हुए, आप देख लीजिए. इस लेसन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बने हैं. इसी तरह एक और है, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल. किन तरीक़ों से इस नाजी प्रदेश ने अपना पूरा लोगों के ऊपर नियंत्रण एस्टैब्लिश किया, नियंत्रण बनाया. इसके कई मींस थे. पहला, दे यूज डिफरेंट प्रोपोगेंडा थ्रू पोस्टर्स एंड फिल्म्स टू ग्लोरीफाई दियर बिहेवियर. अपने आचरण को, अपने आचरण बिहेवियर की शान को बनाए रखने के लिए अब उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू किया. नाजियों ने क्या प्रोपोगंडा शुरू किया, पिक्चर्स के जरिए, आपने देखा है किताब में, पोस्टर्स के जरिए बनाए हुए पोस्टर्स वगैरह है ना, ब्लैक एंड वाइट ही है. उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू किया, पहला पॉइंट प्रोपोगंडा शुरू किया. दूसरा, मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज. दूसरी बात, मीडिया को बड़े ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया और मीडिया ने विन किया सपोर्ट इस रिजाइम का, इस गवर्नेंस का, और धीरे धीरे मीडिया इसको पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय बनाया. तीसरा पॉइंट, नाजीज्म वर्कड इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में घर कर गई. नाजीज्म टैप्ड दियर इमोशंस, उनके इमोशंस को टैप किया, एंड टर्न्ड दियर हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज मार्क्ड एज अंड, और सारा का सारा गुस्सा, इमोशन वगैरह है ना, सब नाजियों ने मिलकर अनडिज़ायरेबल्स, मतलब जिनको छोटी कास्ट रेशियल लैडर में कहा गया है, उनकी तरफ कर दिया. ठीक है, ज्यूज़ की तरफ कर दिया. स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड वाज क्रिएटेड. जो नाजी खुद चाहते थे कि सोसाइटी आज बने जिससे कि इनके ऊपर नियंत्रण किया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशल सर्वेलियंस का भी ध्यान दिया गया. द पुलिस फोर्स हैड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, पूरा पूरा अधिकार पुलिस फोर्सेस को था, वो अपनी पूरी पूरी पावर्स को लागू कर सकते थे. जेनोसाइड ऑल्सो क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ फियर एंड रिप्रेशन. जेनोसाइड, इंसान का खुद का ख़त्म करना, ठीक है, इंसान को मारना, ये भी एक बड़ा डर पैदा कर दिया था कि किसी की भी मौत हो सकती है, किसी को भी गैस के उसमें फेंका जा सकता है. विच हेल्प देम टू इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल, और इसकी मदद से पूरा पूरा
नियंत्रण स्थापित किया गया लोगों के ऊपर। तो ये थे कोई 5 तरीके मैंने लिखा है, आपको 4 याद होने चाहिए कि किस तरह से नाजीज ने इस्टेब्लिश किया अपना पूरा कंट्रोल इन लोगों के ऊपर। तो ये था आपका बेटा लेसन नंबर 2 नाजिज्म, और ये छोटे छोटे जो 1-1 मार्क हैं क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अंडरलाइन भी कराए हुए हैं, टर्म्स के उसमें भी हैं, फुट नोट्स में भी दिए गए हैं। बेटा पढ़िए, याद कीजिए, सबसे बेस्ट है कि आप एक बार रीडिंग भी दीजिए और अभी शुरू कर दीजिए राइट फाइनल की तैयारी। राइट, ये फाइनल की ही तैयारी हो रही है अभी। क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने तैयार किए हैं, अगर आप चाहोगे तो आप रिक्वेस्ट करके मेरे से मंगा सकते हो पर्सनली। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।